हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूंगी जॉली एलएलबी पार्ट 3 की। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप भूले ही नहीं, दोनों ही फिल्मों ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। और उनमें जो भी एक्टर, चाहे हम अरशद वारसी की बात करें या अक्षय कुमार की बात करें या हुमा कुरैशी की बात करें या सौरभ शुक्ला की बात करें, इनके बिना तो हम एलएलबी 3 की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब यही होने जा रहा है, यानी पार्ट 3 आ रहा है। इसमें हमें अरशद वारसी भी दिखेंगे और अक्षय कुमार भी दिखेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये दोनों एक ही फिल्म में कैसे हो सकते हैं? दोनों ही वकील हैं, दोनों ही कोर्ट में लड़ते हैं, दोनों ही समाज के लिए एक क्वेश्चन थ्रो करते हैं और ऐसा मामला उठाते हैं जिसको न पहले कभी सुना न देखा, और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो अब ये दोनों एक ही फिल्म में होंगे तो क्या होगा? क्या दोनों एक ही साइड होंगे या दोनों अपोजिट होंगे? बहुत कुछ है इसके बारे में आपको बताने के लिए, तो मैं इसी से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये फिल्म हमारे लिए और कौन सा नया मैसेज लेकर आएगी, ये सब कुछ इसी वीडियो में होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रेलर पर नज़र डाल लेते हैं। इसको देखकर, यानी कि इस वीडियो के क्लिप्स को देखकर आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा इस फिल्म में कौन हो सकता है, किस टाइप की स्टोरी हो सकती है, कितने कोर्ट के चक्कर लगाए जाएंगे, सिटी में ऐसा क्या हो जाता है जिसको लेकर हंगामा मच जाता है। और सबसे बड़ी बात, कानून अंधा कहा जाता है लेकिन वो अंधा होता नहीं है, उसे सब कुछ दिखाई देता है, चाहे उसके आंखों पर पट्टी ही बंधी हो। अन्याय होते वो नहीं देख सकता है, यानी उनका कहना होता है कि 10 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक मेरे अपराध को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और कानून इसी चीज़ को फॉलो करता है। कौन सही है कौन गलत है, इसी का फैसला तो कोर्ट में होता है। तो जॉली एलएलबी का सीक्वल यानी कि पार्ट 3 आ रहा है, और पार्ट 1 में हमने अरशद वारसी और अमृता राव की जोड़ी देखी थी। इस पर कंफर्म नहीं है कि अमृता राव की जगह कौन होंगी, और सौरभ शुक्ला, उनके बिना तो जॉली एलएलबी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोर्ट का सीन आते ही हंसी आ जाती है, उनके डायलॉग्स आ जाते हैं, उनका लुक आ जाता है सामने। और पार्ट 2 में अक्षय कुमार को हमने देखा था, अक्षय कुमार की जोड़ी थी हुमा कुरैशी के साथ, दोनों हस्बैंड वाइफ थे इस फिल्म में। तो अब पार्ट 3 में दोनों ही मेल की कौन सी हीरोइनें होती, हुमा कुरैशी तो लग रहा है कि करीब करीब फाइनल हैं, लेकिन अमृता राव का अभी कन्फर्म नहीं है। तो इस बार ये दोनों ही आमने सामने होंगे, और दोनों ही, क्योंकि मेन लीड में हैं, तो दोनों ही एक सही तरीके से एक सही केस को लेकर ही अपने ओपिनियन रखेंगे, यानी कि किस तरह लड़ाई होती है उनकी, कौन जीतता है कौन हारता है, क्या दोनों ही जीतेंगे, और सौरभ शुक्ला यानी कि जो जज बनेंगे उनको कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी इन दोनों का ही मामला सुलझाने के लिए। बहुत ही दिलचस्प होने वाला है जॉली एलएलबी 3। तो देखा आपने, जॉली एलएलबी 3 भले ही फ्रेंचाइजी कही जा सकती है, लेकिन ये कुछ अलग हटके होगी। दोनों से थोड़ा मिलता जुलता अंश तो हमें मिल सकता है कि डायरेक्टर वही है, और जब एक ही डायरेक्टर तीनों ही फ्रेंचाइजी में हो तो उनका जो एक सोचने का तरीका है वो सही तरीके से चलता है, क्योंकि उन्हें पता है फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या दिया, सेकंड पार्ट में क्या दिया, लोगों ने क्या पसंद किया और क्या नहीं पसंद किया, उसी को लेके फिर थर्ड पार्ट आता है। तो थर्ड पार्ट का मैं तो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, और हमारे एक्ट्रेस भी बहुत एक्साइटेड हैं इस थर्ड पार्ट का हिस्सा बनकर। तो आप सब भी तैयार हो जाइए, और उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप अपने कमेंट्स मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।